ड्रग दो मुझे ड्रग दो। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, फुकू मैं सुबह शाम रात को दिन। मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर मत कर मत कर। पता है मैंने क्या बोला? चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को। हे गाइस, कॉमिकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ दिन पहले मैंने इंसेप्शन की स्टोरी और कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया और आप सबने कमेंट्स में शटर आइलैंड के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो ठीक है, शटर आइलैंड को भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन को क्रे बनाओ, एक सेकंड लगेगा बस। तो ये बताओ क्या ज्यादा बुरा होगा, एक मॉन्स्टर की तरह जीना या अच्छे इंसान बन के मर जाना? डायलॉग इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। तो लियोनार्डो की शटर आइलैंड शुरू तो बहुत ही नॉर्मल और ऑर्डिनरी मूवी के जैसे हुई, लेकिन इसका एंड बिल्कुल 12th के फिजिक्स वाले पेपर जैसा था। आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और भले फिजिक्स में अपना डब्बा गोल हो, लेकिन आज शटर आइलैंड तो समझा ही दूंगा आपको। और हाँ, क्योंकि मूवी का एक्सप्लेनेशन है तो स्पॉयलर्स होंगे, और अगर मूवी नहीं देखी है तो इंस्टा पे फॉलो करो और स्टोरी देखो। तो बिना कंफ्यूजन को बढ़ाए चलिए शुरू करते हैं। तो शटर आइलैंड बेस्ड है इसी सेम नाम के नॉवल पे, जो मूवी की तरह ही सस्पेंस थ्रिलर है और माहौल को बांध के रखती है। ये स्टोरी है टेडी डैनियल्स की, जो एक यूएस मार्शल है और एक मेंटल असाइलम के मिसिंग पर्सन केस को सॉल्व करने गया है अपने पार्टनर हल मतलब चक के साथ। अभी पूरा असाइलम बना है शटर आइलैंड नाम के एक काफी रिमोट आइलैंड पे, जहां से भाग पाना माइकल फेल्प्स के लिए भी इम्पॉसिबल है। और इस पूरे असाइलम के मेन साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर कॉली, जो अपने पेशेंट्स को सर्जरी और दवाइयों के बजाय उनकी प्रॉब्लम्स ठीक करके उन तक पहुंचना चाहते हैं। अब टेडी की भी अपनी खुद की परेशानियां हैं, जैसे उसने वर्ल्ड वॉर टू में सर्व किया तो उसका वॉयलेंस उसे अफेक्ट कर चुका है, फिर ड्रिंकिंग एडिक्शन है, और इन सब के ऊपर एंड्रयू लेडिस नाम के एक बंदे ने टेडी की वाइफ को मार भी दिया। तो ये सारी चीजें टेडी को ऑलरेडी एक भारी भरकम ट्रॉमा दे चुकी है, लेकिन शटर आइलैंड पे आके उसे समझ में आता है कि सीन और भी ज्यादा बड़ा और डेंजरस है, क्योंकि आंधी तूफान, पागल मर्डरर्स और वियर्ड प्रिजन गार्ड्स इस बात को क्लियर कर देते हैं कि ये कोई भी आम जगह नहीं है। अब टेडी जितना ज्यादा इस इन्वेस्टिगेशन में घुसता है उतना ज्यादा या तो चीजें अजीब होती हैं या फिर होती नहीं है। जैसे रेचल सोलांडो, जिस मिसिंग पेशेंट को ये लोग ढूंढने आए थे, उसका ट्रीटिंग डॉक्टर कई दिनों से छुट्टी पे है, फिर हॉस्पिटल का स्टाफ मजे में है और किसी को कोई टेंशन ही नहीं। फिर डॉक्टर कॉली की हरकतें और अपने खुद के हैलुसिनेशंस के कारण टेडी इस बात को लेकर कन्विंस हो जाता है कि वो अपने कलीग्स के साथ मिलके यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ताकि वो यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ अपने खुद के सोल्जर्स बना सके। और उसे लगने लगता है कि उसकी वाइफ को मारने वाला एंड्रयू लेडिस भी इसी आइलैंड पे है। वो उसे ढूंढने की कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन एंड्रयू उसे मिलता नहीं। और टेडी इस बात को लेकर कन्विंस हो जाता है कि आइलैंड पे जो लाइट हाउस है उसमें डॉक्टर कॉली अपने पेशेंट्स की सर्जरी करके उन्हें सॉर्ट ऑफ ब्रेन वॉश कर रहे हैं। लेकिन जब टेडी इस लाइट हाउस तक पहुंचता है तो वहां पे उसे और हमें दोनों को इस मूवी के सबसे बड़े झटके मिलते हैं, क्योंकि जगह आरसीबी के ट्रॉफी केस की तरह बिल्कुल खाली है। ना तो वहां पे कोई खुफिया कांड हो रहे हैं और ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी, बस डॉक्टर कॉली मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि टेडी ने पिछले दो दिन में जो कुछ भी किया वो सब कुछ एक महंगा प्रैंक या सिमुलेशन था, और वो खुद भी पिछले दो सालों से वहीं का एक पेशेंट है जिसका नाम टेडी नहीं बल्कि एंड्रयू लेडिस है। जी हाँ दोस्तों, जिस एंड्रयू लेडिस को ये भाई साहब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो ये खुद ही है, और इसका पार्टनर चक छुट्टी पे जाने वाले डॉक्टर शिहान है। ये तो वही बात हो गई, अटेंडेंस में चार दोस्तों की प्रॉक्सी लगा दी लेकिन अपनी खुद की लगा नहीं भूल गए। अब पहले तो नेचुरली एंड्रयू या टेडी जो भी है ये और हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते और लगता है कि कॉली साहब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर वो कुछ ऐसी बातें और प्रूफ सामने रखते हैं कि मानना ही पड़ता है। और तब टेडी को याद आता है कि हुआ क्या था, उसकी वाइफ डोलोरेस ने अपने तीनों बच्चों को लेक में डुबा के मार दिया, और ये रियलाइज होने पे कि वो डोलोरेस का कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेंटली इल है, एंड्रयू उसे शूट कर देता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट का इमोशनल ट्रॉमा इतना ज्यादा था कि एंड्रयू के ब्रेन ने इस बात को, इस मेमोरी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। और क्योंकि वो एक यूएस मार्शल था जिसने वर्ल्ड वॉर में सर्व भी किया तो वो इंटेलिजेंट तो था ही, तो उसके ब्रेन ने अपने आप ही एक स्टोरी बना ली कि शटर आइलैंड पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी है और ये सब कुछ उसे ही रोकना है। लेकिन अपनी रियलिटी याद आने पर टेडी इस बात को एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन तब डॉक्टर कॉली उसे बताते हैं कि वो पहले भी कई बार इस एक्सपेरिमेंट को कर चुके हैं। और शुरू के कुछ दिन एंड्रयू इस बात को एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो रीसेट हो जाता है और ये साइकिल डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू वाले लूप की तरह चलती रहती है। और ये सुनने के बाद एंड्रयू कुछ रिस्पॉन्ड तो नहीं करता, लेकिन अगले कुछ दिनों बाद वो एक बार फिर से टेडी बन जाता है, और क्योंकि वो एक बहुत डेंजरस क्रिमिनल था तो ना चाहते हुए भी डॉक्टर्स को उसे लोबोटमी के लिए ले जाना पड़ता है।
एक ऐसा प्रोसीजर जो उसके एग्रेसिव बिहेवियर्स को खत्म करके उसे जॉम्बी बना के छोड़ देगा। लेकिन जाते जाते एंड्रू बोलता है कि क्या ज्यादा बुरा है, एक मॉन्स्टर की तरह जीना या अच्छा इंसान बन के मर जाना। और इसी डायलॉग ने हमें और हल्क मतलब डॉक्टर शिहान दोनों को ही सदमे में डाल दिया। तो अब सवाल ये है कि हुआ क्या, क्या एंड्रू सच में रीसेट हो गया? तो अब एक एक करके कुछ चीजें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि लियोनार्डो का कैरेक्टर किसका हुआ है। ये पहले यूएस मार्शल जरूर होगा, लेकिन पिछले 2 साल से ये इसी हॉस्पिटल का पेशेंट 67 है, और इसने पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी किया वो बस डॉक्टर कॉली का एक बड़ा सा रोल प्लेइंग गेम था, क्योंकि वो इसे लोबोटमी से बचाना चाहते थे। और अगर इसकी एंडिंग को देखें तो मार्टिन स्कॉर्सेसी साहब ने इसे थोड़ा बहुत ओपन तो रखा ही है, लेकिन मेरे हिसाब से एंड्रू लास्ट में रीसेट नहीं होता। अपनी रियलिटी याद आने पे वो समझ जाता है कि ये सब कुछ वो बार बार नहीं कर सकता, और उसका गिल्ट इतना बड़ा है कि वो इसके साथ जिंदगी भर नहीं रह सकता, वो खुद इसे भूलना चाहता है। अब क्योंकि मूवी देखते देखते हम खुद ही अपना नाम भूलने की कगार पे आ गए, तो जो भी कंफ्यूजिंग और लूज एंड से मूवी छोड़ देती है उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो वो गुफा में एंड्रू को असली डॉक्टर रेशल सोलांडो मिलती है वो रियल नहीं थी, उन्हें एंड्रू ने बस इमेजिन किया क्योंकि वो वही सारी बातें बोलती हैं जो एंड्रू के दिमाग में ऑलरेडी थी। और एक और झटका दूं, इस रेचल की जितनी भी बातें हैं वो बस एंड्रू के नहीं, आपके और इस मूवी को पहली बार देखने वाले हर एक आदमी के दिमाग में थी। जैसे आइलैंड पे एक कॉन्स्पिरेसी है और डॉक्टर कॉली मेन विलन है जो एंड्रू को ड्रग्स देकर उसे पागल बना रहे हैं। और ये बात सही भी तो है, क्योंकि मूवी के शुरू में तो वो नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो एंड्रू की हालत और भी खराब होती जाती है। और इस बीच तो वो बस हॉस्पिटल के सिगरेट्स, पानी और डॉक्टर कॉली उसे जो भी दवाई देते हैं उन्हें लेता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग उसे ड्रग्स देकर उसे पागल कर रहे हों। लो तो मेरा फेवरेट बायो आ गया, रुको बताता हूँ। तो सीधी सीधी बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आपको ऐसा लगता हो कि एंड्रू की हालत खराब हो रही है, लेकिन एक्चुअली में ये सारे सिम्टम्स ड्रग विड्रॉल के भी होते हैं। अगर कोई सस्ते या महंगे नशे करने वाले को अपना डोज ना मिले तो ट्रेमर्स मतलब हाथ कांपना, बहुत सीवियर हेडेक्स, हैलुसिनेशंस, वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा ठंड लगना और इसके अलावा भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं। तो एंड्रू को वही सब हो रहा है। जब हॉस्पिटल का एक पेशेंट था तो उसे क्लोरप्रोमाजिन नाम की एक ड्रग दी जाती थी, जो एक एंटीसाइकोटिक मूड स्टेबलाइजर ड्रग है और किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट को ये देना बहुत आम बात है। और इसी ड्रग की वजह से एंड्रू नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसे ये मिलना बंद होती है वो हेलुसिनेट करने लगता है, एग्रेसिव हो जाता है, और ये जो हल्के हल्के टिक्स आप उसके चेहरे पे देख रहे हैं तो ये पागल होने की नहीं बल्कि ड्रग विड्रॉल की निशानी है। इसके बाद आता है जॉर्ज नॉइस, जिसे एंड्रू वार्ड सी में मिलता है और माचिस की तीलियां जला जला के उससे बात करता है। अब जॉर्ज पूरी तरह से रियल है, वो एंड्रू को जानता है, इस पूरे गेम के बारे में जानता है, और कुछ ही दिनों पहले उसे अपने रियल नाम से बुलाने पे एंड्रू ने उसकी धुनाई भी करी थी। और इसी एग्रेशन को देखते हुए डॉक्टर्स को रियलाइज हुआ कि एंड्रू बहुत डेंजरस है, और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट इसी चक्कर में हो रहा है। फिर रेशल के रूम से मिलने वाले फर्रे पे लिखा हुआ रूल ऑफ 4 का मतलब रेशल सोलांडो, डोलोरेस शनाल, एंड्रू लेडिस और टेडी डैनियल्स है, जिन्हें रीअरेंज करने पर ये एक दूसरे के एनाग्राम्स बनेंगे। फिर हुई 67 का मतलब पेशेंट नंबर 67 से है, जो खुद एंड्रू ही था। और हाँ, रेशल सोलांडो कोई भी पेशेंट नहीं है, उसे खुद एंड्रू ने अपनी वाइफ का नाम जंबल करके और उसे अपनी बेटी के नाम से मिक्स करके बनाया। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी सटल हिंट्स हैं जो आप मूवी पहली बार देखने पे नोटिस नहीं करते, लेकिन दूसरी बार में एकदम क्लियर हो जाती हैं। जैसे जब भी एंड्रू गार्ड्स के आसपास होता है तो उनका एटीट्यूड बहुत चेंज हो जाता है, वो एकदम टेंस हो जाते हैं और अपनी गन्स को पकड़ लेते हैं। और ये चीज होना ऑब्वियस भी है क्योंकि वो एक अनस्टेबल क्रिमिनल है। फिर वो लोग जब रेशल सोलांडो को ढूंढते हैं तो कोई भी खास मेहनत नहीं करता क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर इस पूरे इंटरव्यू वाले सीन को कोई भी स्टाफ सीरियसली लेता ही नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि नकली का राजा मंत्री चोर सिपाही चल रहा है और इसका कोई भी पॉइंट नहीं है। फिर डॉक्टर शिहान के एक्सप्रेशंस भी एट टाइम्स बहुत अजीब से हो जाते हैं, और जब वो गन निकालने की कोशिश करते हैं तो एक क्लियरली समझ में आ जाता है कि पहली बार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज थी जो मुझे समझ में नहीं आई कि एंड्रू को अपने सपनों में डोलोरेस चलती हुई क्यों दिखती है, उसने तो उसे शूट करके मारा था। तो इस पे भी 2 थ्योरीज हैं, जिसमें से पहली ये है कि एंड्रू ने एक्चुअल में अपनी वाइफ को शूट करके नहीं बल्कि जला के मारा था, क्योंकि वो एक बहुत ही वायलेंट पायरोमेनियाक है और उसका ये पायरोमेनिया भी आपको मूवी में बहुत सारी जगह दिखेगा। लेकिन दूसरी थ्योरी मुझे ज्यादा सही लगती है, जिसके हिसाब से फायर एंड्रू को रियलिटी से दूर ले जाती है और वाटर रियलिटी के पास लाता है। जैसे उसका केव में रेशल सोलांडो से मिलना या डॉक्टर कॉली की गाड़ी जलाना, जब भी किसी सीन में फायर का यूज हुआ है तब तब उसने कुछ ना कुछ हेलुसिनेट जरूर किया है। वहीं पे क्योंकि वाटर में उसने अपने बच्चों को खोया था तो वाटर से रिलेटेड हर चीज या तो उसे डिप्रेस या फिर सैड या फिर बीमार कर देती है, जैसे उसका ये ड्रीम वाला सीन या फिर उसकी सी सिकनेस। तो कुल मिला के एंड्रू की वाइफ पगली थी तो उसने अपने बच्चों को मार दिया, फिर अपनी वाइफ को मार के एंड्रू खुद पगला बन गया, और डॉक्टर कॉली ने इसे ठीक करने के लिए गेम बनाया जो फेल हो गया, और इस डायरेक्टर ने एंड में हम सबको पगला बना दिया।
तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है कि शटर आइलैंड वो हड्डी है जो एक बार खा लो तो गले में फंस जाती है, और इसके बारे में चाहे जितनी भी थ्योरीज पढ़ लो कभी भी सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो ने आपको सेटिस्फाई किया होगा, और अगर किया है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर वो नीचे वाला बटन अभी भी रेड है तो उसे कैसे भी करके ग्रे बनाओ। फिर आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर इंस्टाग्राम पे मूवी कैसे देखनी है उसकी स्टोरी हम लोगों ने डाल दी है, तो जाओ और स्टोरी देख लो। और हाँ, मेरा एक और चैनल भी है जिसे अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और thecomicverse.com। बहुत अमेजिंग टी शर्ट्स हैं, अगर आप लोगों ने इसे चेकआउट नहीं किया है तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। और हमारी आज की मेंबर शाउट आउट जाती है बी आर न्यूबी निंजा को, जो कॉमिक वर्स पे एक इटर्नल एवेंजर है। तो बी आर न्यूबी निंजा, अ वेरी बिग शाउट आउट टू यू। और अगर आप सब लोग चाहें तो आप भी नीचे ज्वाइन बटन पे टच करके इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो इन सब चीजों के बाद मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको क्या लगता है शटर आइलैंड में क्या हुआ होगा, एंडिंग कैसी थी, हर चीज बताओ। तो जाने से पहले, कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।